बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम पिछली हुकूमत ने शुरू की थी और उस हुकूमत के ख़त्म होने के साथ ही ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नेक्स्ट हुकूमत आ चुकी है और आज भी ये स्कीम जारी है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें इन्फॉर्म किया कि मुझे पिछले कुछ दिनों के अंदर मेरा लोन अप्रूव हुआ है जो कि मुझे बैंक से मिल चुका है। तो आप अपने सब्सक्राइबर को जो कि महंगी स्कीमें बता रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो, उससे हज़ार दर्जे बेहतर है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होता है और लोगों के लिए लेना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो वीडियो को आप लोग लाजमी देखें ताकि आपको इस चीज़ का इल्म हो सके कि इसके लिए शराइत क्या हैं, कौन कौन इसके लिए अहल है, आपकी किस्त कितनी बन सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ में कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी एंड तक लाजमी देखिएगा। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर अभी भी ये स्कीम लिस्टेड है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम, जो कि अभी भी काम कर रही है। तो यहाँ पर हम इसका उर्दू का ब्रोशर ओपन कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम लोग शराइत देख लेते हैं। अहलियत की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तानी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड के तमाम अफराद अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 25 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपने पहले किसी घर की मलकियत हासिल करने वाले अफराद आपके पास किसी भी घर की मलकियत पहले नहीं होनी चाहिए। रियायती स्कीम मार्कअप के साथ एक फ़र्द सिर्फ एक बार इस स्कीम को हासिल करने का अहल होगा। इन फ्यूचर आपने अगर अप्लाई किया है, मिला है या नहीं मिला, तो आप इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। खसूसियात की बात करूँ तो मकान, अपार्टमेंट, फ्लैट, घर की खरीद, प्लाट, तामीराती अखराजात या पहले से मौजूद प्लाट पर तामीराती काम के लिए या ज़्यादा रिहाइश मकान में तोसी, इजाफा, स्टेट बैंक के कायदे मुताबिक, इन तमाम चीज़ों के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो ये आपको मिल सकता है। दरख्वास्त गुजार अपनी सहूलत के मुताबिक इस कर्ज की अदायगी कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल में कर सकता है। मुख्तलिफ ज़राए आमदन रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद और 1 मकान के लिए शरीक दरख्वास्त बन सकते हैं। यानी कि आप अकेले नहीं बल्कि आप अपने दूसरे दीगर भाइयों को, अपने वालिद को भी शामिल कर सकते हैं। तो आपकी जो किस्त है वो तकसीम हो जाएगी, तो ऐसे आप पे ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं बनेगा। अब यहाँ पे दर्जा बंदी बनाई गई है जिसमें मकान का रकबा बताया गया कि अगर पहली दर्जा बंदी के अंदर आपके मकान का रकबा 5 मरले तक का है, जिसका अंदरूनी रकबा 850 मरबा फिट तक का हो, और नंबर 2 फ्लैट, अपार्टमेंट, जिसका अंदरूनी रकबा 850 मरबा फिट तक हो, तो उसकी कीमत 35 लाख से ज़्यादा ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी और तीसरी दर्जा बंदी के अंदर चाहे 5 मरले का, लेकिन उसका अंदरूनी रकबा ज़्यादा हो, और उसके अलावा नंबर 3 के अंदर, तीसरी दर्जा बंदी के अंदर 10 मरले तक का घर हो, तो उसके लिए कोई हद नहीं रखी गई है मकान की कीमत की। लेकिन यहाँ पे फाइनेंस की हद यहाँ पे रखी गई है। पहली दर्जा बंदी के अंदर 27 लाख रुपए तक का आपको कर्ज मिल सकता है, दूसरी दर्जा बंदी के अंदर 60 लाख रुपए का, तीसरी दर्जा बंदी के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो लोन मिल सकता है। पहले 5 साल आपको पहली दर्जा बंदी के अंदर 3% मार्कअप लगेगा, अगले 5 साल 5%, और 10 साल के बाद बैंक की मार्केट के रेट के हिसाब से लागू होगा। इसी तरह दूसरी दर्जा बंदी के अंदर पहले 5 साल 5% और उसके बाद अगले 10 साल जो है वो 7%, दूसरे 5 साल 7%, तीसरी दर्जा बंदी के अंदर पहले 5 साल 7% और अगले 5 साल 9%। नेक्स्ट ये बात कर लेते हैं जी लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। सैलरीड की बात करूँ तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन, प्रोडक्ट की डिस्क्लोजर शीट जिसके ऊपर प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट चूज़ की है, वायलेट CNIC ऑफ एप्लीकेंट, आपका CNIC और आपकी जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी शनाख्ती कार्ड की कापीज़, 2 पासपोर्ट साइज़ और कलर फ़ोटोग्राफ्स और को पार्टनर्स की कापीज़। इसी तरह अंडरटेकिंग फॉर फर्स्ट टाइम होम ऑनर, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम होम ऑनर हैं तो उसकी अंडरटेकिंग की कापी। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी मॉर्टगेज, डॉक्यूमेंट्स के जो भी कागजात होंगे, जैसे कि आपने किस जगह पे लोकेशन सेलेक्ट की है, कोई घर सेलेक्ट किया, तो उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 तरह के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, फार्मल एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं और इस पर इनफॉर्मल। फार्मल के लिए रखा गया जी प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ, आपने कितने अरसे के लिए जॉब की है उसका प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा, साथ में सर्टिफिकेट होगा, वॉलेट डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, वो भी साथ लगेंगे, इनकम का प्रूफ लगेगा, डॉक्यूमेंट्स का सैलरी, उसके बाद करंट स्लिप, सैलरी सर्टिफाइड नोट, यहाँ पे मैक्सिमम 60 डेज़ ओल्ड सैलरी स्लिप में भी एक्सेप्टेड, 60 दिन से ज़्यादा की पुरानी सैलरी स्लिप भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ऑनलाइन ई सैलरी स्लिप्स आर एक्सेप्टेबल विद पॉजिटिव वेरिफिकेशन। इसी तरह इनफॉर्मल आ जाते हैं यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट, रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन, यूटिलिटी बिल्स, स्कूल फीस, एनी अदर वायलेट एक्सपेंस डॉक्यूमेंट, तो ये सारे यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद आ जाता है जी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद अपना काम करते हैं उनके लिए लोन एप्लीकेशन, वही सारी चीज़ें, प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट, वो सारी चीज़ें जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके अंदर दो तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाते हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं या खुद अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फार्मल आ जाते हैं, यहाँ पे उनका प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए होगा जो कि अपना काम करते हैं। पार्टनरशिप, जिसके साथ अगर पार्टनरशिप किया तो उसके साथ का कोई प्रूफ, बैंक सर्टिफिकेट ऑफ सोल प्रॉपर्टीज़, आपका कोई भी बैंक का कोई भी अकाउंट बना होगा उसकी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देने, NTN सर्टिफिकेट होगा आपका बना हुआ, रेंट एग्रीमेंट जो भी आपका है मालिक किस तरह, उसके बाद प्रोफेशनल को डिग्री है, डिप्लोमा है, वॉलेट मेंबरशिप है, वो आपने यहाँ पे साथ लव करनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी इनफॉर्मल, तो उनके लिए रेंट एग्रीमेंट है, रेंट पेमेंट है, यूटिलिटी बिल्स है, उसके बाद स्कूल फीस है और एनी अदर वॉलेट एक्सपेंस डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगता है तो वो भी आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उर्दू पे क्लिक करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है आपको उर्दू में यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ से भी आसानी से इनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर आपकी अपने लोन अप्लाई करते हैं तो आपकी अंदाज़न कितनी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। अगर आप लोग Tier 1 के अंदर अप्लाई करते हैं 5 लाख का तो आपको आपकी किस्त बनेगी जी 2,773 रुपये पहले 5 साल की, अगले 5 साल के लिए आपकी बनेगी 3,175 रुपये। इसी तरह अगर आप लोग 10 लाख अप्लाई करते हैं तो 5,000 किस्त बनेगी पहले 5 साल, इसी तरह अगले 5 साल के लिए 6,000, इसी तरह बढ़ती बढ़ती जाएगी। 27 लाख अगर आप लोग मैक्सिमम लोन लेते हैं इस टेयर के अंदर जो कि मैक्सिमम लिमिट है तो आपकी 14,000 किस्त बनेगी पहले 5 साल और अगले 14 साल के लिए 5 साल के लिए 17,000। इसी तरह Tier 2 के अंदर यानी कि दूसरी किस्म के अंदर अप्लाई करते हैं तो 5 लाख के ऊपर अगर 3,300 आपकी पहले 5 साल की किस्त बनेगी, अगले 5 साल की 3,750, इसी तरह बढ़ती बढ़ती। अगर मैक्सिमम आप लोन लेते हैं 60 लाख रुपए तो आपकी किस्त बनेगी पहले 5 साल 40,000 और अगले 5 साल 45,000। Tier 3 के अंदर अगर आप 10 लाख लोन लेते हैं तो आपको 7,700 पहले 5 साल किस्त लगेगी और अगले 5 साल 8,749 रुपये। इसी तरह मैक्सिमम अगर आपकी लेते हैं लोन Tier 3 के अंदर जो कि 1 करोड़ रुपया तो आपकी किस्त बनेगी 77,000 पहले 5 साल के लिए और अगले 5 साल के लिए 87,000 आपकी किस्त बनेगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी मौजूद है जो कि आपको बैंक से भी मिल जाएगा, तो ये भी डिफरेंट है, जैसे कि फॉर बिजनेस के लिए मुख्तलिफ है, सैलरीड पर्सन के लिए मुख्तलिफ है और इनकम पर्सन के लिए मुख्तलिफ है। तो अप्लाई नाउ करने के लिए यहाँ पे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब इनकी ब्रांच जाएँ और ब्रांच जाके जब आप लोग वहाँ से इनकी बेसिक मालूमात लें और वहाँ जाके आप अप्लाई करें। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, कोई कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।